वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके दोस्त इशिता अंडा का नाम हियर विद द न्यू वीडियो। और पिछले दो हफ्ते से मैं वीडियो नहीं ला पा रही थी क्योंकि शेड्यूल थोड़ा सा बिजी था एंड वीडियो बनाने को मुझे टाइम नहीं लग रहा था। लेकिन यस, फाइनली आज हमारा वीडियो आउट है एंड आज हम करेंगे माइक्रो, अपना जो इम्यूनोलॉजी था उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इम्यूनो का जो हमने पिछले बार प्रेसिपिटेशन किया था एंड आज हम करेंगे एग्लूटिनेशन। तो फिर आज हम करेंगे एग्लूटिनेशन, क्या एग्लूटिनेशन होता है तो आज हम उसको देखेंगे। सबसे पहले अगर बात करी जाए एग्लूटिनेशन की, तो सबसे पहले रिएक्शन में आपका एंटीजन एंटीबॉडी ही रहेगा। जो हमारा एंटीजन है वो पार्टिकुलेट फॉर्म है, ठीक है, वो पार्टिकल्स की फॉर्म में है हमारे पास एंटीजन। एंड जो हमारे पास एंटीबॉडी है वो हम लेंगे और इसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑप्टिमम टेम्परेचर, जो हमारे कंडीशंस रिक्वायर्ड वो कंडीशंस पूरी होनी चाहिए हमारे पास, एंड देन आपको विजिबल क्लंपिंग इसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, प्रेसिपिटेशन में हमारे पास सॉल्युबल एंटीजन होता था, ठीक है, और इसमें हमारे पास पर्टिकुलेट एंटीजन होता। तो ये बेसिकली डिफरेंस रहता है एंटीजन का प्रेसिपिटेशन और एग्लूटिनेशन में। तो ये है बेसिक सा डिफरेंस, ठीक है। प्रेसिपिटेशन में यहाँ पे पर्टिकुलेट एंटीजन की जगह हमारे पास क्या रहता है, हमारे पास रहता है सॉल्युबल एंटीजन, एंड सॉल्युबल एंटीजन के साथ ही एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा। इलेक्ट्रोलाइट्स, NaCl, तो सब ये कंडीशंस तो पूरी रिक्वायर्ड है, ये तो वैसे की वैसे ही रहेंगी, लेकिन हाँ सिर्फ एंटीजन में डिफरेंस रहता है, इसमें पर्टिकुलेट एंटीजन होता है एंड उसके केस में हमारे पास होता है सॉल्युबल एंटीजन। और अगर बात की जाए टाइप्स की, तो हमारे पास एग्लूटिनेशन बेसिकली हमारे पास यहाँ पे फाइव टाइप्स है, ठीक है। फर्स्ट है ट्यूब एग्लूटिनेशन, स्लाइड एग्लूटिनेशन, एंटीग्लोबुलिन, हेट्रोफाइल एग्लूटिनेशन एंड पैसिव एग्लूटिनेशन। ये डिफरेंट टाइप्स की एग्लूटिनेशन है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। अब इनके टाइप्स को भी हम देखेंगे और एक एक करके सारे टाइप्स की हम स्टडी करेंगे कि किस टाइप में किस तरह का जो रिएक्शन है वो कैसे कैरी आउट होगा एंड क्या आपको उसमें देखने को मिलेगा, क्लंपिंग देखने को मिल रही है या फिर फ्लक्चुएशन देखने को, मतलब जो भी टाइप्स हैं वो हमें जो है इंडिविजुअली स्टडी करेंगे। सबसे पहला मेथड जो हम देखेंगे वो है स्लाइड एग्लूटिनेशन। अब जैसे नाम से पता चल रहा था, इसमें एग्लूटेशन किस पे देखने को मिलेगी, हमें स्लाइड पे देखने को मिलेगी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, पहले तो हम इसमें एक सस्पेंशन बनाते हैं, एंटीजन का सस्पेंशन बनाते हैं। अब वो सस्पेंशन कैसे बनेगा, हम क्या करेंगे, इसमें नॉर्मल स्लाइन की ड्रॉप डालेंगे, ठीक है, एंड नॉर्मल स्लाइन के अंदर हम अपना एंटी सीरम ऐड करेंगे। तो इसका सस्पेंशन बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसके लूप की हेल्प से क्या करेंगे, हम इसको मिक्स करेंगे एंड अगर ये टेस्ट पॉजिटिव होगा तो आपको विद इन सेकेंड्स क्लंपिंग देखने को मिलेगी, यानी कि कुछ ऐसे 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 क्लम्प्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, समझ रहे हो, क्लम्प्स दिखेंगे आपको, मतलब कि वो बिल्कुल स्मूथ नहीं रहेगा आपका जो सस्पेंशन है, उसमें आपको इररेगुलर जैसे क्लम्प्स देखने को मिलेंगे, क्लम्पिंग देखने को मिलेगी। इट मीन्स ये पॉजिटिव है, एग्लूटिनेशन उसमें हो रही है, ठीक है। एंड बेसिकली हम किसके लिए करते हैं, या तो हम सैल्मोनेला के लिए इसको करते हैं, ठीक है, और हमारे पास जो सेकेंड हमारे पास ये रहता है वो ब्लड ग्रुपिंग जो करते हैं, क्रॉस मैचिंग करते हैं, उसके लिए बेसिकली हम एग्लूटिनेशन का जो प्रोसेस है वो हम देखते हैं। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट मेथड रहता है होता है ट्यूब एग्लूटिनेशन, एंड जैसे नाम से पता चल रहा है बेसिकली हम इसमें ट्यूब लेंगे, बेसिकली हम इसको क्या करेंगे, ट्यूब्स में करेंगे, एंड ये हमारे पास क्वांटिटेटिव मेथड होता है, ठीक है। और इस केस में क्या होता है हमारे पास, इसमें हम क्या करते हैं, सीरियल डाइल्यूशंस लगाते हैं। मैंने आपको एक बार जब पहले भी मैं आपको सीरियल डाइल्यूशन का मतलब बताया था, सीरियल डाइल्यूशन का क्या मतलब है, अगर मानो हमने 10 टेस्ट ट्यूब्स ली हैं, ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, एंटी सीरम ऐड कर रहे हैं। इसमें हमने क्या किया, मानो 1 ml डाला, इसमें 2 ml, इसमें 4 ml, इसमें 6 ml, मतलब कि इंक्रीज करते जाते हैं हम कॉन्सेंट्रेशन को, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, पहले सीरम हम सीरियल डाइल्यूशन लगाएंगे और उसके बाद हम इसके अंदर एंटी सीरम ऐड करेंगे। पर इसमें पता है क्या होता है, देखो जिससे पहले हमने सीरियल डाइल्यूशन लगाई सीरम के केस में, अब जब हम इसके अंदर एंटी सीरम ऐड करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, एंटी सीरम के केस में हमारे एंटी सीरम की जो कॉन्सेंट्रेशन सेम है, अगर इसके अंदर 1 ml डला तो इन सबके अंदर ही 1 ml डलेगा, एंड जिस पॉइंट पे हमारे पास एग्लूटिनेशन आपको देखने को मिलेगी उसको बोलते हैं हम एंटीबॉडी टाइटर, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंटीबॉडी टाइटर, जहाँ पे हमें क्या है एग्लूटिनेशन देखने को मिलेगी एंड वहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम कंसंट्रेशन रहता है। एंड बेसिकली जो हमारे पास ट्यूब एग्लूटिनेशन होता है वो विडाल टेस्ट, जो हम टाइफाइड फीवर के लिए करते हैं, ठीक है, उसके लिए करते हैं हम विडाल टेस्ट में। बेसिकली हम क्या करेंगे, ट्यूब एग्लूटिनेशन का हम यूज करते हैं। बाकी हमारे पास वेलिक्स रिएक्शन होता है ब्रुसेला के लिए, जो डिजीज कॉज करता है ब्रुसेलोसिस, उसके डिटेक्शन के लिए भी हम क्या करते हैं, ट्यूब एग्लूटिनेशन करते हैं। तो ये तो हो गए हमारे पास स्लाइड एंड ट्यूब, मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद हम करेंगे कूम्स टेस्ट। कूम्स टेस्ट जो मैंने आपको थर्ड टाइप बताया था एंटी ग्लोबुलिन, ठीक है, उसको ही हम बोलते हैं कूम्स टेस्ट। अब हम कूम्स टेस्ट देख लेते हैं कि हम कूम्स टेस्ट में कैसे एग्लूटिनेशन देखेंगे। देखो बेसिकली कूम्स टेस्ट हम किसके लिए करते हैं, जो हमारे पास इनकम्प्लीट RH एंटीबॉडीज होती है,
ठीक है, इसके डिटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, कूम्स टेस्ट करते हैं। अब इसका कूम्स टेस्ट का क्या मतलब इसमें है, देखो जो इनकम्प्लीट एंटी आर एच जो सॉरी इनकम्प्लीट आर एच एंटीबॉडीज है, ठीक है, तो मतलब ये इनकम्प्लीट है। ऑब्वियसली जब हम इनकम्प्लीट आर एच एंटीबॉडी को क्या करते हैं, किसी पॉजिटिव आर एच के साथ, एरिथ्रोसाइट्स के साथ जब हम इसको रिएक्ट करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं ना उसके ऊपर कोटिंग हो जाती है एंटी आर एच की, लेकिन उसमें हमें एग्लूटिनेशन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो उस एग्लूटिनेशन को हमें करवाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक कूम्स सीरम ऐड करते हैं। जो कूम्स सीरम का मतलब होता है, जो रैबिट का जो सीरम होता है, ठीक है, उसको इस केस में यूज किया जाता है। एंड जब हम इसको इसमें ऐड करते हैं तो हमें एग्लूटिनेशन जो है वो देखने को मिल जाती है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कूम्स टेस्ट। एंड कूम्स टेस्ट बेसिकली आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो, इनडायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो, वो आप खुद भी स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली यही होता है कूम्स टेस्ट, इसमें हम जो इनकम्प्लीट आर एच एंटीबॉडीज होती है उसके डिटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, कूम्स टेस्ट करते हैं बाय एडिंग कूम्स सीरम। अब नेक्स्ट जो हम टाइप पढ़ेंगे वो है हिट्रोफाइल, ठीक है, हिट्रोफाइल एग्लूटिनेशन होता है हमारे पास। बेसिकली इसमें होता है कि जो हिट्रोफाइल एंटीबॉडीज होती है उनके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि वो अनरिलेटेड स्पीशीज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म साथ रिएक्ट करके किसी अनरिलेटेड स्पीशी के साथ, जिसका जिसके साथ उनका कोई ताल्लुक भी नहीं है, उनके साथ वो रिएक्ट कर जाते हैं, क्योंकि उनके उनके पास उनके पास क्या है, सिमिलर एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज होती है। जब वो एक सिमिलर एंटीजेनिक करेक्टर शेयर करते हैं तो उस टाइम पे क्या है, अनरिलेटेड स्पीशीज जो है वो रिएक्शन शो करती हैं, तो उसको हम बोलते हैं हिट्रोफाइल एग्लूटिनेशन। एक होता है वेलिक्स फेलिक्स रिएक्शन, पॉल बनल टेस्ट आता है एक हमारे पास, और एक होता है हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस एमजी एग्लूटिनेशन करके होता है, ठीक है। तो वेलिक्स फेलिक्स रिएक्शन किसके लिए होता है, वेलिक्स फेलिक्स रिएक्शन देखो, जो हमारे पास प्रोटियस होता है और जो बैक्टीरिया हाँ को जो रिकेट्सिया है वो फीवर कॉज करता है, टाइफाइड फीवर कॉज करता है, तो वो दोनों क्या है, एग्लूटिनेशन शो करते हैं, बिकॉज उनकी जो एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर रहती हैं। तो क्या होता है, जो प्रोटीयस स्ट्रेन जो है वो उन पेशेंट्स के सीरम को एग्लूटिनेट कर देते हैं जिनको रिकेट्सियल इन्फेक्शन हो, ठीक है। एंड अगर हम पॉल बर्नल टेस्ट की बात करें तो देखो, जो जिन पेशेंट्स को मतलब जिन लोगों को इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस डिजीज होता है वो क्या करते हैं, शीप के एरिथ्रोसाइट्स को एग्लूटिनेट कर देता है, ठीक है। तो ये भी एक एंटीजेनिक सिमिलैरिटी शेयर करते हैं, इसलिए जो सीरम ऑफ इन्फेक्टेड मोनोन्यूक्लियोसिस वाला जो पेशेंट है वो क्या करेगा, शीप के एरिथ्रोसाइट्स को भी एग्लूटिनेट कर देगा। एंड जो स्ट्रेप्टोकोकस एमजी वाला है ये बेसिकली पॉजिटिव होता है जब किसी को एटिपिकल निमोनिया हो, तो उन केसेस में हमें ये पॉजिटिव देखने को मिलता है। तो ये था हमारे पास हिट्रोफाइल एग्लूटिनेशन। तो हमारा अब जो लास्ट बचता है वो होता है हमारे पास पैसिव एग्लूटिनेशन। पैसिव एग्लूटिनेशन देखेंगे हाँ कि पैसिव एग्लूटिनेशन कैसे होता है। तो अगर बात करें जब पैसिव एग्लूटिनेशन की, तो बस थ्री टाइप्स रहते हैं, लेटेक्स एग्लूटिनेशन, हेम एग्लूटिनेशन एंड को एग्लूटिनेशन। अब पैसिव से हम क्या, पैसिव का मतलब होता है फॉल्स। तो इस केस में क्या होता है कि हमारे पास हम क्या करते हैं, रैपिड कार्ड्स, लेटेक्स कार्ड्स, कुछ भी कार्ड्स रहते हैं, उनके ऊपर हमारे पास क्या है, एंटीजन जो है वो कोटेड होता है, ठीक है। ये जो ये कार्ड्स होते हैं, लेटेक्स पार्टिकल्स, लेटेक्स कार्ड्स होते हैं, ये क्या है, एंटीजन कोटेड होते हैं, इनके ऊपर एंटीजन की कोटिंग पहले से ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इसलिए उसको होता है पैसिव, क्योंकि पैसिव जिसके ऊपर ऑलरेडी टेस्ट है, हम क्या करेंगे, पेशेंट का सीरम ऐड करके फिर हम देखेंगे एग्लूटिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। जो कैरियर होगा वो लेटेक्स भी हो सकता है, हमारे पास बेंटोनाइट या आरबीसीज, मतलब कुछ भी हमारे पास कैरियर पार्टिकल्स हमारे पास रह सकते हैं। एंड इसके ऊपर हम एंटीजन की कोटिंग क्यों करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव मेथड होता है, ये एंटीबॉडीज के डिटेक्शन के लिए ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इसमें एंटीजन कोटेड जो है हमारे पास जो कार्ड्स होते हैं, आपने देखा होगा रैपिड कार्ड्स जो हमारे पास होते हैं, बेसिकली हम उनको यूज करते हैं। बात करें लेटेस्ट एग्लूटेशन का, तो जो पॉलीस्टाइरीन लेटेक्स जो टेस्ट होते हैं हमारे पास, वो हम करते हैं पॉलीस्टाइरीन लेटेक्स एग्लूटेशन कार्ड्स के जो टेस्ट होते हैं, बेसिकली हम उनको इस मेथड से करते हैं। हमारे पास ASO हो गया, CRP हो गया, RA फैक्टर, तो ये सारे टेस्ट जो हैं आपने देखे होंगे लेटेक्स कार्ड्स के ऊपर ही किए जाते हैं। और अगर बात करें जाए हेम एग्लूटेनेशन की, नाम से पता चल रहा है हेम, देखो एरिथ्रोसाइट्स जो है वो सेंसिटाइज, जो उनको सेंसिटाइज्ड किया जाता है शीप आरबीसीज के साथ। एंड देन अगेन उसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो एरिथ्रोसाइट्स होंगे उनको सेंसिटाइज करेंगे विद एंटीजन, ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, एंटीबॉडी डिटेक्शन करेंगे उसके पास, उसमें जैसे हमने किया था लेटेक्स में, क्या था लेटेक्स में हमारे पास, क्या था लेटेक्स, ये पॉलीस्टाइरीन कार्ड था। एंड इस केस में हमारे पास क्या है, आरबीसीज, हम बेसिकली एरिथ्रोसाइट्स का हम इसमें यूज कर रहे हैं। बेसिकली हमारे पास ये आर ए फैक्टर के लिए होता है, जो हम आरबीसीज शीप्स की, बेसिकली हम शीप की जो है बेसिकली आरबीसीज का यूज किया जाता है। और जो हमारे पास आर ए फैक्टर होता है वो क्या होता है, गामा ग्लोबुलिन के लिए हमारे पास रहता है, ठीक है। तो बस यही है, ये आप खुद से विजिट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट हमारे पास होता है, को एग्लूटिनेशन। तो इसमें बेसिकली हम स्टाफ ओरिस के लिए करते हैं, इसमें प्रोटीन ए की प्रेजेंस को हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं,
किसमें, स्टाफ ओरियस में। सो आई होप आपको टॉपिक समझ में आया। इरिटेशन कुछ नहीं है, बस उसके आपको टाइप्स पता होने चाहिए, क्या इरिटेशन में कैसा एंटीजन यूज किया जाता है और क्या डिफरेंस होता है प्रेस्क्रिप्शन इरिटेशन में, वो आपको पता होना चाहिए, जो आपको आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। सो यही था आज के वीडियो में। आई होप यू गॉट द टॉपिक एंड आपको समझ में आ गया होगा। और वैसे भी अगर आप इस टॉपिक को देखोगे तो आपको खुद अब समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक गाइडलाइन की जरूरत होती है, बाकी खुद हम जब पढ़ते थे हमें समझ में तो वैसे आ ही जाता है। सो यस, यही था आज की वीडियो में। एंड एज सच इसके कोई नोट्स नहीं थे क्योंकि मैंने बुक से ही पढ़ा था, क्योंकि बुक में काफ़ी अच्छा दिया है तो मैंने बुक से ही किया था, इसके कोई नोट्स नहीं बनाए थे। लेकिन या सो कोई भी क्वेरी होगी इंस्टाग्राम पर डीएम कर लेना, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। सो फिर यस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।